हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोटेड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनसीएल में अभी हाल ही में एक रिक्वायरमेंट निकली है। यदि दोस्तों आपने 10th की भी है और आईटीआई करी भी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो एनसीएल जो है वह नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है, जो कि आपका एमपी मध्य प्रदेश में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इसमें काफ़ी सारी दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। तो इसका जो बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट और ओपनिंग डेट इसकी क्या है फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है एनसीएल की वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को दबाएं। नीचे दिए गए रेड बटन है उस पर आपको क्लिक करना है और प्लस में आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है, जिससे कि हमारी सभी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो डाली जा चुकी हैं और यदि आपने नहीं देखी है तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ वेबसाइट देखे लिखा है कि NCLCIL.in, इस वेबसाइट को आपको खोलना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैरियर पर क्लिक करना है। कैरियर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे जो है विंडो खुल कर आती है, तो यहाँ पर भर्ती पर क्लिक करना है। ये हिंदी की वेबसाइट है, तो जैसे ये भर्ती पर क्लिक करते हैं तो ऊपर आपके सामने जो है नोटिफिकेशन दिखेगा न्यू करके। तो ये जो है वही वैकेंसी है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिखा है दोस्तों नोटिफिकेशन, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको जो है सेकंड वाले रो पे जाना है, HEMM ऑपरेटर। आप पहले वाली पोस्ट भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको सेकंड वाली पोस्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यही है जिसमें आईटीआई के बच्चे जो कैंडिडेट हैं फॉर्म को भर सकते हैं। तो सेकंड वाले पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके पास सामने जो है इंग्लिश नोटिफिकेशन लिखा आएगा और हिंदी नोटिफिकेशन लिखा आएगा, तो हम इंग्लिश वाले पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इंग्लिश वाले पर क्लिक करेंगे तो इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके जूम कर दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये जो है ए मिनी रतन कंपनी है, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट इंडिया की है। इसके बाद ये एमपी में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। आप यहाँ देख सकते हैं सिंगरौली ये डिस्ट्रिक्ट है और इसका ए पिन कोड है एमपी इंडिया। तो इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो निकाला गया है उसमें किस किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 18/13 में जो है ये पब्लिश हुआ था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए आप, लिखा है कि HMV0 डंपर ऑपरेटर। सबसे पहले यदि हम डंपर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे जो है मैट्रिकुलेशन SSC हाई स्कूल रिलेटेड पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड सेकेंडरी एंड हाई स्कूल हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे इनकी जो है पोस्ट निकाली है, फिर टोटल निकाली है 213। SC में 31 है, ST में 42 है, OBC में 31 है, जनरल UR में है 107 वैकेंसी। इसी तरह से जो है नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है इसमें दोस्तों आपके पास लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। देखिए सब में लिखा है वैलिड HMV लाइसेंस इशू फ्रॉम एनी RTA RTO ऑफ इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे आपके लिए जो है लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। ये लगभग सभी पोस्ट में जो है ये मांगा गया एंड करके यहाँ पे देखें लिखा है कि तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे देखें सारी की सारी ये पोस्ट लिखी है। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कि आईटीआई वाले बच्चे जो भी है एम, जो यदि मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाते हैं हम इसके 7 और ये 9 नंबर पर। तो यहाँ पर देखें पोस्ट कोड यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे देखें ये पोस्ट लिखा है ड्रैग लाइन ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है, यहाँ मैट्रिकुलेशन SSC हाई स्कूल और रिलेटेड पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडियन स्टेट, एंड करके दिया है ITI इन डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक फिटर ट्रेड विद वैलिड NCVT सर्टिफिकेट और अप्रेंटिस विल बी परफेक्ट। तो यहाँ पर जो है आपके पास यदि आपने डीजल मैकेनिक से आईटीआई करिए तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आपने मोटर मैकेनिक से किया तो भी फिल कर सकते हैं, और यदि आप फिटर ट्रेड से बिलोंग करते हैं या फिटर ट्रेड आपके पास थी या आपने आईटीआई क्वालिफाइंग की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो है ये पोस्ट दी गई है, और इसके साथ में आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें पोस्ट जो निकली है वह टोटल 60 निकली है, जैसे कि 9 दी गई है वैकेंसी, ये सबसे पहले SC की थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 9 जो पोस्ट है, यहाँ पे देखे लिखा है कि SC की पोस्ट है, उसके बाद जो है ST की है। तो 9 पोस्ट SC की, उसके बाद 12 पोस्ट ST की हो गई, फिर 9 OBC की होगी और 30 हो गई
जनरल की, तो टोटल मिला के ओवरऑल जो है 60 पोस्ट इसमें डाली गई है। तो आगे मैं बताता हूँ इसमें जो है किस तरह से आपको जो है इसकी डिटेल और जान रही है। तो यहाँ देखें नोट वन में देखें क्या लिखा है, एन एप्लीकेंट मस्ट हैव मिनिमम 55% मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन SSC हाई स्कूल और इक्विपमेंट एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल ऑफ अबाउ मैंशनड पोस्ट। तो आपके पास ये जो भी पोस्ट दी गई है हाई स्कूल में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए तो तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। तो इसमें जो है मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, तो PDF फाइल को आप रीड कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोड दिया गया है, एलिजिबल पोस्टिंग कोड यहाँ पोस्टिंग कोड दिए गए हैं। तो यहाँ पे लगभग सभी में जो है मैट्रिकुलेशन आपके पास हाई स्कूल तो होनी चाहिए और प्लस में जो भी ITI मांगी है वो यहाँ पर दी गई है। जो भी आपकी ITI ट्रेड है यदि इस फॉर्म में यहाँ नोटिफिकेशन में दिखा रहा है तो आप इस फॉर्म को आने वाले टाइम में भर सकते हैं। तो नीचे चलते हैं सीधा, तो यहाँ पर दोस्तों देखें ट्रेनिंग पीरियड यानी पे, तो यहाँ पे के बारे में भी दिया गया है। जो अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो यहाँ पे बेसिक जो दिया गया है 1011.27 पर डे करके इसका बेसिक दिया गया है पर डे का, तो लगभग 30,000 जो है एक महीने का बन जाता है अगर हम देखें। और यदि 24 या 25 डे होते हैं तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे इस रेगलाइन ऑपरेटर का भी बारे में यही दिया गया है। तो इसके बाद अपर एज लिमिट में देखें दिया गया है कि द अपर एज लिमिट विल बी 30 इयर्स ऑन द लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन एज प्रोवाइड इन द नोटिफिकेशन। तो जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की भरने की वहाँ तक आप जो है 30 ईयर के होने चाहिए, उससे ऊपर आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो और इसके बाद जो है जिनके लिए छूट दी गई है वो सेकेंड में दिया गया है, द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर SC ST कैंडिडेट और 3 ईयर हैं OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 3 ईयर की छूट दी गई है फॉर्म भरने की, ठीक है। इसके बाद आती है लास्ट में डेट ऑफ पब्लिश, तो यहाँ पे 28/8/2018 में ये पब्लिश हुआ था और कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन स्टार्टिंग डेट 10/9/2018 से। ये जो है दोस्तों अभी हमारा जो है जैसे कि अगस्त चल रहा है तो अभी ये 10/9/2018 से चालू हो जाएगा और कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन क्लोजिंग डेट 24/9/2018, यहाँ पर टाइम भी दिया गया है। तो ये रात का समय है दोस्तों 11:59, तो 24 तारीख की इसकी लास्ट डेट है आने वाली जो 24/9 जो आएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है नीचे दिया गया है लास्ट डेट फॉर रिसीविंग फ्रॉम प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद द रिलेटेड एनक्लोजर टू मैन पावर रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट NCL, तो यहाँ पे HQ लिखा हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट ओनली वो आपको जो है 15/10/2018 तक भेजनी है। तो काफ़ी अभी समय पड़ा है और साथ में आप इसकी जो है तैयारी भी अभी करना शुरू कर दें। इसका पेपर दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं आता, सिंपल सा इसका एग्ज़ाम पेपर आता है। और यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखें लास्ट में जो है इसका जो है इसके बारे में अभी कुछ नहीं दिया गया है और तो सिलेबस जो है इसका इसमें नहीं दिया गया है। सिलेबस जैसे ही इसका मिलेगा तो मैं आपको जो है इसका सिलेबस भी बताऊंगा। और इसी तरह से दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो ये पोस्ट है और मैंने आपको बता दिया है इस तरह की जो है पोस्ट आप भर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में दोस्तों इसकी आप जो है डेट नोट कर लें और जैसे ही ऑनलाइन होगा तो मैं एक बार वीडियो दोबारा बना दूंगा कि किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे लास्ट डेट देखें, यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो है 10/9/2018 की है। अभी जो दोस्तों अगस्त चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, तो हमारा जो अगला जो नेक्स्ट मंथ है 9वां, तो उसके अंदर जो है 10 तारीख में ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा स्टार्ट। इसके बाद आप जो है 24/9 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिनिमम आपको जो है इसमें 14 डेज दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों ये डेट को नोट करें आप, जिससे कि जैसे ही इसका ऑनलाइन फॉर्म भर निकलता है तो आप इसको तुरंत इसको भर दें। इसकी वेबसाइट दोस्तों मैंने आपको बता दी है, इसकी वेबसाइट आप इसको नोट भी कर सकते हैं या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या नीचे मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप इस एग्ज़ाम की इसके अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल में काफ़ी सारी वीडियो अभी तक डाली जा चुकी है। तो आप एक बार चैनल को विज़िट करें और ट्रेड वाइज टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल
साइंस के सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आप उनको खोल कर देख सकते हैं, और चाहे तो आप हमारे जो है इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल को भी ले सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ये वाली पोस्ट भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, तो ये वाली पोस्ट भी आप देख सकते हैं, जो भी आपके मतलब की है, आपसे रिलेटेड है, तो उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। तो इसका जल्दी ही इसका जो है ऑनलाइन भी जो इसका फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और तो इस वीडियो में दोस्तों मुझे यही बताना था, और कोई आपके मन बात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना था, और कोई नोटिफिकेशन मिलता है किसी पोस्ट का तो मैं आपको जो है ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों।